नमस्कार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में तहसील क्रांतिकारी के पद पर कार्यरत मैं सतीश शर्मा। आज हम हमारे विभाग की एक नई नोटिफिकेशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार काफ़ी समय से था। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उस न्यूज़ को चलाया था। परंतु उसके बावजूद भी काफ़ी जो प्रतिनिधि है उन तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए हम इस वीडियो को पुनः रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि वो नई नोटिफिकेशन क्या है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो विधवा है, एकल नारी है या फिर परित्याग की हुई महिला है, उसके लिए जो दस्तावेज़ लाने होते थे हमारे कार्यालय में, उसमें प्रस्ताव और इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी। परंतु अब ये कंडीशन हटा दी गई है। यदि जो विधवा है, परित्याग हुई महिला है, एकल नारी है, यदि वो खुद कोई सरकारी सेवा में नहीं है और सरकारी सेवा की कोई सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं ले रही है, तो उस केस में उन्हें इनकम सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन्हें आवश्यकता है पंचायत के प्रस्ताव देने की। इसके साथ ही एक नई नोटिफिकेशन आई है, जो दिव्यांगजन है, 40% से अधिक जो दिव्यांगजन है, यदि उनके अभिभावक, पेरेंट्स मतलब माता पिता, इनकम मतलब कोई सरकारी सेवा में नहीं है और ना ही सेवानिवृत्ति की पेंशन ले रहे हैं और आयकर दाता नहीं है, तो इस केस में और वो जो व्यक्ति है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, वो खुद भी कोई सरकारी सेवा में ना हो और सेवानिवृत्ति की पेंशन ना ले रहा हो और ना ही आयकर पे कर रहा हो, तो इस केस में वो बिना पंचायत के प्रस्ताव और बिना इनकम सर्टिफिकेट के हमारे कार्यालय में, तहसील कल्याण कार्यालय में अप्लाई कर सकता है पेंशन के लिए। अब इसमें जो मेन बात ये देखने की है, जो भी एप्लीकेंट होगा, विधवा, परित्याग की हुई महिला या फिर एकल नारी या फिर दिव्यांग जो है, उसमें वो आयकर दाता नहीं होने चाहिए, सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए, सरकारी सेवा की कोई पेंशन नहीं ले रहे होने चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी पेंशन नहीं ले रहे होने चाहिए। अब जब आप कार्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करेंगे तो उसमें कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कि मूल निवासी का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, बचत खाता, आधार नंबर, राशन कार्ड के दस्तावेज़ और दिव्यांगजनों के केस में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी उन्हें प्रदान करना पड़ेगा और वचनबद्धता का एक नया हमने प्रारूप तैयार किया है, जो आप सबसे हमने साझा कर लिया है, वो प्रारूप आप इस अपने दस्तावेज़ों के साथ लगाएंगे। तो ये जो मेजर चेंजेस हमारे पेंशन फॉर्म्स में है, जो काफ़ी समय से लोग पूछ रहे थे कि विधवा के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जो दिक्कत आ रही है, इनकम नहीं बन पा रही है या फिर पंचायत के प्रस्ताव में थोड़ा डिले हो जाता है, अब ये चीज़ हटा दी गई है। कंडीशन ये है कि वो सरकारी सेवा में ना हो, सेवानिवृत्ति की पेंशन ना ले रहे हो, कोई भी सरकारी सेवा की पेंशन ना ले रहे हो और आयकर दाता ना हो। जय हिंद, जय हिमाचल।